राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने ब्यावर नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया को न्यायालय के निलंबन आदेश रद्द आदेशों के महज 24 दिनों के भीतर दूसरी बार निलंबित कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार की ओर से शुक्रवार को जारी निर्देशों में सभापति कनौजिया के खिलाफ नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में चल रही जांच के प्रभावित होने की आशंका के चलते उक्त आदेश जारी किए हैं। मालूम हो कि कनौजिया के 162 दिनों के निलंबन के दौरान चली कार्यवाही के बाद न्यायालय ने 23 नवंबर को कनौजिया का निलंबन रद्द कर दिया था। न्यायालय से निलंबन रद्द होने के बाद कनौजिया 26 नवंबर को पुनः नगर परिषद सभापति के रूप में काबिज हुए थे, लेकिन शुक्रवार को 24 दिनों के बाद डीएलबी ने नरेश कनौजिया को दूसरी बार निलंबित कर दिया। सभापति कनौजिया को दूसरी बार निलंबित करने के बाद भाजपा खेमे तथा उनके समर्थकों में निराशा का माहौल छा गया। डीएलबी निदेशक हृदेश कुमार की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया के विरुद्ध अनियमितता एवं भ्रष्टाचार करते हुए बिना संशोधित लेआउट प्लान के पट्टे जारी करने से संबंधित प्रकरण विभाग को प्राप्त होने पर विभागीय आदेश 322 दिनांक 3 फरवरी 2022 के द्वारा क्षेत्रीय उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग अजमेर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी के द्वारा विभाग को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर नरेश कनौजिया सभापति नगर परिषद ब्यावर को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1) के तहत स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। कनौजिया द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय चाहे जाने पर अतिरिक्त समय दिया गया। इस दौरान कनौजिया द्वारा विभाग को प्रस्तुत स्पष्टीकरण नोटिस के जवाब का शिकायत के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर पाया गया कि संशोधित लेआउट प्लान के अनुसार पट्टे जारी करने चाहिए थे, जो कि नहीं किए गए। अतः सभापति नरेश कनौजिया का उक्त कृत्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1) के तहत होना पाया गया है। कनौजिया के विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3) के अंतर्गत न्यायिक जाँच करवाने का निर्णय लिया गया तथा नरेश कनौजिया के सभापति पद पर बने रहने से न्यायिक जाँच भावित किए जाने की संभावना के मद्देनजर 17 मई 2022 को कनौजिया को सभापति एवं सदस्य नगर परिषद ब्यावर के पद से निलंबित किया गया था। उक्त विभागीय आदेश के क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2022 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश 17 मई 2022 को प्रत्याहारित किया जा चुका है। कनौजिया के विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3) के अंतर्गत न्यायिक जांच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। नरेश कनौजिया सभापति नगर परिषद ब्यावर के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किए जाने की संभावना है। अतः नरेश कनौजिया सभापति एवं सदस्य नगर परिषद ब्यावर के विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43(10) के तहत आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के कारण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नरेश कनौजिया सभापति नगर परिषद ब्यावर को सदस्य के पद एवं सभापति के पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित करती है।